तहसीलदार सिवान नदी में बहे पटवारी भी लापता। नमस्कार, स्वागत है आपका MP 7 न्यूज चैनल में। खबरों के अधिक जानकारी के लिए आप MP 7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए शाजापुर की विशेष खबर। मंगलवार शाम को जिले के मोमान बड़ोदिया तहसील में पदस्थ तहसीलदार नरेंद्र सिंह ठाकुर सीहोर के समीप चौपहिया वाहन से सिवान नदी की पुलिया पार करते समय तेज बहाव में बह गए। तहसीलदार नरेंद्र सिंह ठाकुर और नसरुल्लागंज तहसील में पदस्थ पटवारी महेंद्र रजक सीहोर में अपने मित्र के फार्म हाउस पर पार्टी कर वापस शाजापुर आ रहे थे। रास्ते में सीहोर के समीप सिवान नदी पर बने करबला पुल पर पानी होने के बावजूद उन्होंने चौपहिया वाहन से पुल पार करने की कोशिश की। इस दौरान पानी के तेज बहाव में वाहन का संतुलन बिगड़ गया और दोनों सिवान नदी में बह गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और होमगार्ड के जवान सर्चिंग कर रहे हैं। घटना की जानकारी लगते ही शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन भी सीहोर कलेक्टर से संपर्क साधे हुए हैं। लापता तहसीलदार और पटवारी की तलाश की जा रही है। देखते रहिए हमारे साथ MP 7 न्यूज़।